दिल्ली और एग्रोविजन फाउंडेशन और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन पीडीकेवी, इसके समवेत हम ये अभियान शुरू किया है। ये अभियान शुरू करने का एक ही उद्देश्य है कि ये फार्मर्स को हम पहले ये जो समर है, ये समर में धूप काले में क्या क्या करना चाहिए। एक नंबर एक जो बात है वो है कि जो कपास अभी खेत में है उसको निकाल देना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं निकाली तो जो बोंडअळी का जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक होगा नहीं। दूसरी चीज़ हमने बताई है कि आपको अप्रैल और मई महीने में दो दफ़े डीप प्लोइंग करना है, नागरट करना है। ये नागरट करने से जो कुछ नीचे उसके जो जंतु है वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके संवेद हमने ये कहा है कि प्री मानसून लागून आप मत करिए, और बाद में जाके हमने ये कहा है कि चौथी चीज जो है कि आप बारिश जैसे आती है तो मेरणी सामूहिक दृष्टि से आप विलेज पे करेंगे तो इसका नायनट हो सकता है, और सामूहिक दृष्टि से करने के लिए आपको दो या चार ही वैरायटीज लगाना जरूरी है, हजारों वैरायटी आप एक विलेज में मत लगाएं। और उसका ड्यूरेशन हमने बताया है कि 140 या 160 दिन के आप हाइब्रिड या वैरायटी आप इसको लगाना चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद में हमने देखा है कि जैसे कॉटन की ग्रोथ होती है तो लोग फवार भी करना शुरू होते हैं। हमने कहा कि भाई 60 दिन तक कम से कम सिर्फ नीमार्क यूज करो, नीम निम्बोड़ी अर्क जिसको बोलते हैं वो यूज करो, आप दूसरा कोई इंसेक्टिसाइड मत डालिए। और उसके बाद में क्या करना है वो भी हम सूचना उनको हमारे जो बुलेटिन रहेगा उसके माध्यम से देते रहेंगे। सर,